और सबसे पहले मैं यहाँ आती हूँ, जब भी आती हूँ, गैलरी में। और ये देखिए हम कितना ऊपर हैं, हम इस वक्त 7th या 8th फ्लोर पे हैं। और इतना मज़े का मुझे यहाँ का व्यू लगता है, वो देखिए वहाँ पे ग्रीनरी, इतना मज़ा। तो वो भी हमने खा लिया, टेडी को हमने कर लिया बिल्कुल फुल। और अब जो है हम सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हम लोग सुबह के उठ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है, मज़े में, टिप टॉप है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में और टिप टॉप हूँ। और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं जा रही हूँ बलाज को स्कूल से पिक करने। और तैयार मैं आज इसलिए ज़्यादा ज़्यादा हुई हुई हूँ क्योंकि मैं वहाँ से जाऊँगी बहन के घर, और पहले अम्मी को पिक करना है। सबसे पहले बलाज को पिक करना है, फिर अम्मी को पिक करना है, फिर बहन के यहाँ जाना है, वहाँ पर एक दिन का स्टे करना है, मज़ा करना है, हल्ला गुल्ला करना है। 2 डेज ऑफ है तो कुछ इन्जॉयमेंट करनी चाहिए। और फिर अभी चलते हैं जल्दी जल्दी। और देखिए मैंने घर भी साफ़ कर लिया है, देखें जी सारा घर वर साफ वाफ करके, और अब हम निकल रहे हैं। और चलें जी, चलते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं अपने साथ। और ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है आज कराची में, फुल क्लाउड आए हुए हैं, लेकिन गर्मी में कोई कमी नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो अच्छा हुआ है। आज धूप जी जान, वाह, आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे पहुँच गए हैं दमथल बेकरी, दमथल स्वीट्स बेकरी। निम्को बहुत अच्छा यहाँ की जो है वो निम्को होता है, और यहाँ की मिठाइयाँ और स्पेशली यहाँ के बिस्किट्स। तो हम यहाँ से ले रहे हैं, मैं तो नहीं उतारी, आसिफ भी उतरे हैं, और हम यहाँ से ले रहे हैं बिस्किट्स बहन के लिए, की मिठाई, यहाँ का निम्को, और यहाँ की फेमस हलवा पूरी, बड़े मज़े की होती है, बहुत खाई है आसिफ और मैंने, तो बहुत अच्छा। अगर आप लोग भी कराची में रहते हैं तो यहाँ पे आएँ, ज़रा यहाँ की हलवा पूरी ट्राई करके देखें, मज़े की होती है। और ये मीरा, मीरब से तो मैंने मिलवाया ही नहीं। मीरब से हाय, वाह, अच्छा मीरब से हाय, वाह, अच्छा इधर तो देखिए ना, से हाय हाय। और ये देखें यहाँ पे गरम गरम कचौरियाँ बन रही हैं, कसम से मुँह में पानी आ रहे। और ये देखिए गरम गरम वो डाल के फ्राई करते जा रहे। गाड़ी का शीशा ना थोड़ा ख़राब हुआ है, इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ये देखें, वाह 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 यार, एक दे दो कचौरी, एक दे दो यार, क्या यमी यमी गर्मा गर्म कचौरियाँ। ये जनाब आसिफ आ गए हैं बिस्किट्स ले के, हाय 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 हाय, यमी यमी। बलाज आ गए हैं, बलाज हाय करें। अभी बलाज ने बहुत डांट खाई है, लेकिन वो नहीं बताऊंगी क्यों खाई है, बताऊं या नहीं बताऊं? बलाज जो मम्मा की मर्जी है। अच्छा बताऊंगी बाद में, बताऊंगी अभी। बहुत डांट खाई है इसने बाबा की भी, मम्मा की थोड़ी सी खाई है, लेकिन बाबा की बहुत ज़्यादा डांट खाई है, और खानी भी चाहिए थी, है ना बलाज? तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं अपनी अम्मी को लेने। पहले हमने बेकरी पर रुके, बिस्किट्स लिए, फिर बलाज को लिया, इतना रश था उधर, और अभी हम रुके हैं अम्मी को लेने, उनका वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अच्छा आला ठीक है? वेव वेव पहन। अभी हम जा रहे हैं मलीर कैंट, मलीर कैंट जा रहे हैं ना, मलीर कैंट जा रहे हैं अस्करी। कितना अच्छा ग्रीनरी है इस्लामाबाद लग रहा है, वरना मेन शहर में तो इस तरह का होता ही नहीं, धुएं गंदगी, ब्यूटीफुल। और इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस मिलें आपको, वीडियोस देखने को मिलें थ्रू नोटिफिकेशन। Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I could feel the sweat inside my palm. अभी तो हड्डियाँ वड्डियाँ सब सूख गई बैठ बैठ के। 7th फ्लोर है ना, आ गए हैं एंट्रेंस, ये देखें द जमील्स। और ये देखें हम बहन के घर आ चुके हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ आती हूँ जब भी आती हूँ गैलरी में। और ये देखें हम कितना ऊपर हैं, हम इस वक्त 7th या 8th फ्लोर पे हैं। और इतना मज़े का मुझे यहाँ का व्यू लगता है, वो देखिए वहाँ पे ग्रीनरी, इतना मज़े का कराची लग ही नहीं रहा है ना,
बनाज कराची नहीं लग रहा ना, ये बिल्कुल इस्लामाबाद लग रहा है। ये देखिए इतनी ग्रीनरी, इतना मज़े का नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। और देखिए छुट्टी है तो सबकी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं आज। और मुझे तो ऊंचाई से पता नहीं क्या होता है। आसिफ कहते हैं ना अगर तुम दुबई चली गई तो वहाँ पे तो तुम इतना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे तो तुम पता नहीं क्या करोगी। और जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे गैलरी में सबसे पहले आती हूँ, यहाँ पे बैठती हूँ, ऊपर आसमान को देखती हूँ, इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे हम बैठ के चाय शाय पीते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो चले अंदर चलते हैं, मज़ा आ रहा है। ये जी हम आ चुके हैं, बलाज अब चेंज करेगा। और यहाँ पे बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज बच्चों के लिए, और यहाँ पे मेरी बहन बना रही है पिज्ज़ा। अभी ये चिकन बनाई है और चिकन टिक्का पिज्ज़ा बन रहा है फजीता। और ये कोयला जो है वो गरम करने रखा है क्योंकि इसमें धुआं देंगे। और चाय हम पी चुके हुए थे और ये इसका सबूत है। ये भी पिज्ज़ा की डो मेरी बहन ने रेडी की है, देखें कितनी अच्छी फ्रेश लग रही है, कितनी ज़बरदस्त। मीरब मीरब क्या खा रही है? फ्रेंच फ्राइज। बलाज बलाज से तो मिले ही नहीं आप लोग, है ना? बलाज क्या खा रहे हैं? No, it's not nuggets. That's right. Yeah. मम्मी छाता खायो। Wow, yummy, yummy pizza. Yummy, yummy pizza. मेरा बोली yummy, yummy pizza. बाजी कुटे लाल मिर्च। हेलो जी। अच्छा हमने खाना वाना खा लिया, बहुत मज़ेदार किस्म का पिज्ज़ा मेरी बहन ने बनाया था तो वो भी हमने खा लिया। टेडी को हमने कर लिया बिल्कुल फुल। और अब जो है हम सोने की तैयारी करेंगे क्योंकि हम लोग सुबह के उठे हुए हैं, बलाज का स्कूल भी था तो हम लोग सुबह 6:30 बजे के उठे हुए हैं। तो अभी हम करेंगे सोने की तैयारी और ताकि हम सुबह उठें जल्दी और आप लोगों को भी ब्लॉग व्लॉग दिखाएं। तो यहाँ पे ब्लॉग व्लॉग का कर देते हैं एंड। क्या कर देते हैं? एंड। ठीक है, एंड कर देते हैं। और उसके बाद हम आपसे कल मिलते हैं, कल भी तो ब्लॉग अपलोड करना है, आपको दिखाना है। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन के साथ और एक नए प्यार और अंदाज के साथ। जब तक जल्दी से बटन दबा दें घंटी को, घंटी का बटन दबा दें और सब्सक्राइब का भी बटन दबा दें एक थप्पड़ लगा के। तो फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।